सो गाइस यार पबजी के अंदर आ गया भाई एक न्यू केडी सिस्टम। और गाइस इस सिस्टम में ना हमें केडी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, लेकिन भाई तुम्हारा भाई बता गया कि तुम कैसे बड़ी इजीली तरीके से अपना केडी मेंटेन कर सकते हो और कैसे इंक्रीज कर सकते हो, और ये केडी सिस्टम क्या है नया वाला सब कुछ डिटेल देगा भाई तुम्हारा भाई। और गाइस यार इस वीडियो में ना सब कुछ बताऊंगा कि कैसे इस केडी को मेंटेन करना है, देन क्या प्रॉब्लम है इस केडी में और किसको प्रॉब्लम जाने वाली है न्यू केडी सिस्टम में। तो यार ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बताओ गाइस यार न्यू केडी सिस्टम है। सिंपल सी चीज ये हुई है, मान लो पुराना केडी सिस्टम है गाइस, मान लो अपन ने एक मैच में 10 किल लिए, देन सेकंड मैच में 5 किल लिए, तो गाइस अपना केडी तो गाइस क्या होता ना किल टू डाई रेशियो होता था उस टाइम, ठीक है कि भाई एक बार में अगर आप चिकन डिनर ले रहे हो तो आपका केडी मेंटेन रहेगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है उस टाइम अगर आप चिकन डिनर लेते थे तो, ठीक है। लेकिन गाइस आज के टाइम पे क्या होता था गाइस टोटल होता ना उस टाइम केडी अपना टोटल होता था, लेकिन जो न्यू केडी सिस्टम आया ना उसमें गाइस बड़ी दिक्कत है। अब मैं आपको बताऊं क्या है, तो देखो यार अपन ने 10 किल लिए, ठीक है सेकेंड मैच में लिए गाइस अपन ने 5 किल, तो गाइस आपका केडी होगा मतलब माइनस, ठीक है। अब गाइस माइनस क्यों होगा, देखो आपको ना आपका भाई ये केडी सिस्टम मिल लिए तो बेस्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए जो केडी मेंटेन करते थे बॉट वगैरह को मार के भाई 5 के हो गए बॉट, अब अगले मतलब अगले मैच में तो बॉट ही नहीं मिले, तो भाई उस सिनेरियो में गाइस उनका केडी उतना मेंटेन नहीं मतलब हो जाता था मेंटेन, 5 6 10 का केडी बहुत सारे लोग जाते थे लेके। लेकिन गाइस अब क्या हो गया, पुराने केडी सिस्टम में बोलिए ना गाइस मतलब 5 मैच के लिए मतलब देख लो मान लो कि अपन ने 2 मैच खेले उसमें 10-10 के लिए और एक मैच में अपन ने 5 के लिए लेकिन उसमें चिकन डिनर लिया है, लेकिन ये सपना तब माइनस नहीं होता था केडी, ठीक है। लेकिन गाइस अब क्या होगा, अपन ने 2 मैच में 10-10 के लिए चिकन डिनर के साथ और तीसरे मैच में भी 5 के लिए चिकन डिनर के साथ, तब गाइस आपका केडी हो जाएगा माइनस इस न्यू केडी सिस्टम के मतलब यार केडी सिस्टम में, ठीक है। तो गाइस आपको अब क्या करना है गाइस आज के टाइम पे ना, अब दिक्कत ये होने वाली है गाइस जो नूब प्लेयर्स है, नूब नहीं बोलूंगा गाइस, ठीक है। सो गाइस सिंपल सी बात ये समझना गाइस कि मान लो आपको 5 का केडी मेंटेन करना है, ठीक है 5 का केडी मेंटेन करना है, तो गाइस आपको 10 मैच खेल रहे हो मान लो आप, 10 में गाइस हर मैच में आपको 5 किल लेने ही पड़ेंगे मिनिमम, अगर आपने 2 किल लिए फिर 3 किल लिए तो आपका केडी माइनस होगा गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं गाइस मान लो आपने 2 किल लिए और 3 लिया तो गाइस आपका माइनस नहीं होगा, लेकिन इस सिस्टम में गाइस माइनस होगा, ऑल डिपेंड करता है गाइस आज के टाइम पे केडी सिर्फ किल पे, ठीक है किल और आपकी भाई इसमें गाइस बहुत ज्यादा आपको अब रियलिटी पता चलने वाली है कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन अच्छा प्लेयर नहीं है। सिंपल सी चीज आपको ये है कि अगर आप किल लोगे तो आपको केडी बढ़ेगा, अगर आप चिकन रन लोगे तो घंटा नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी चीज ये है, ठीक है। सो यार अब दिक्कत उनको होने वाली है भाई जो किल नहीं खेलते मतलब सेफ गेम प्ले खेलते हैं, मतलब कि यहाँ वहां उतर जाएंगे और सेफली जाएंगे 5-10 किल लेंगे एंड में भाई मिल गए किल तो ठीक है नहीं मिले तो ठीक है। अब गाइस मतलब उनको दिक्कत जाएगी केडी मेंटेन करने में जो रश नहीं खेलते। अब गाइस मेरी बात कर लो तो भाई मैं टोटल रश खेलता हूँ, मैं विनर चिकन डिनर के लिए नहीं खेलता हूँ, ठीक है जाता हूँ हॉट ड्रॉप पे अंधा खेलता हूँ। अब कौन कौन ऐसा खेलता है भाई ओनली हॉट ड्रॉप तो नीचे कॉमेंट करके मेरे को बताओ यार, तुम्हारा फर्ज बनता है भाई तुम नीचे कॉमेंट बताओ, ठीक है। अब गाइस देखो रश खेलने वालों के लिए तो भाई ओपी चीज है कि चिकन डिनर मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब लेकिन जो सेफ खेलते हैं भाई उनको दिक्कत होगी इसमें यार कि भाई हम सेफ खेलते हैं हमारा केडी तो मेंटेन नहीं होगा, 10 का केडी रखने वाले अब गाइस देखना 5 का 6 का केडी रखेंगे या फिर 4 का तक रखेंगे, क्योंकि यार अब देखो लोग ना चिकन डिनर अब कुछ मैटर नहीं करेगा, ये चिकन डिनर अब मैटर ये करेगा। मान लो आप स्क्वाड में हो आपके 4 बंदे हैं, ठीक है 4 बंदे हैं, आपने मतलब 5 के लिए 2 बंदे ने 5 के लिए मतलब 2 बंदों ने 5-5 के लिए और दूसरे और तीसरे बंदे ने 0-0 या फिर 1-1 के लिया, तो गाइस चिकन डिनर की वजह से मान लो आपने चिकन डिनर लिया अपने टीममेट को, लेकिन गाइस उनका केडी उस टाइम माइनस नहीं होता था, ठीक है तो अब लेकिन गाइस माइनस होगा, अब अपने टीममेट को भी किल लेना पड़ेगा, तो भाई जो बंदे सेफ खेलते थे उनको तो भाई बहुत ही बैड न्यूज है ये कि भाई अब केडी मेंटेन करने में बात लगने वाली है। लेकिन गाइस तुम्हारा भाई ये बोलेगा भाई कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यार मैं फ्यूचर में बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक लाऊंगा, ड्रिल्स लेके आऊंगा जिससे कि तुम्हारा गेम प्ले बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। नहीं पता तो भाई चैनल एक बार चेकआउट कर लो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मार देना, ना लगे तो भाई डिसलाइक मार देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार ये केडी सिस्टम था भाई छोटा सा, और गाइस कौन कौन रैंक पुश कर रहा है मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ, डू में कर रहे हो सोलो में कर रहे हो फिर स्क्वाड में कर रहे हो, क्योंकि यार मैं उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ कॉन्करर की, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी भाई कॉन्करर के ऊपर तो भाई बहुत सारे बंदों ने बोला भाई डीमोटिवेट कर दो यार, लेकिन भाई उसमें मैंने पूरी रियलिटी बताई थी कॉन्करर के ऊपर, ठीक है। लेकिन गाइस मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे बड़ी इजिली कॉन्करर पुश कर सकते हो, तो गाइस ये वीडियो
कि आज के टाइम पे अगर आपको केडी मेंटेन करना है तो भाई बिल्कुल रश के लोग किल लो, जितने ज्यादा किल लोगे उस हिसाब से आपका केडी मेंटेन होगा, माइनस भी होगा तगड़ी माइनस लगेगी। लेकिन गाइस अगर आप किल ज्यादा लोगे तो आपका केडी दिन ब दिन इंक्रीज होते जाएगा। माइनस करवाना है तो केडी मत लो, सेफ खेलो। सेफ खेलने वालों के लिए बैड न्यूज है, लेकिन रश खेलने वालों के लिए भैया ओपी चीज है। मेरे लिए तो बढ़िया है। किस किस के लिए ये केडी सिस्टम अच्छा है नीचे कॉमेंट मार दो, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सब चलते हैं यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली कॉन्करर के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए टेक केयर मेरे भाई लोग, बाय बाय।